मुझे नील गगन में, खिलने दो मुझे भी धरा की सुंदरता में, मेरे नाजुक मन पर न डालो बोझ, झूलने दो झूला मुझे अपनी फुलवारी में। मैं श्रुति उल्फत आप सबका स्त्री शक्ति पर स्वागत करती हूँ। स्त्री का साहस, गुलशहरा में खिला दे, स्त्री की ताकत, लोहे के इरादे, गुलशहरा में खिला दे, स्त्री का जज्बा, स्त्री शक्ति, स्त्री शक्ति, स्त्री शक्ति को सलाम कर स्त्री शक्ति। बाल विवाह एक ऐसी प्रथा है, एक ऐसी कुरीति है जो हमारे देश की छवि को कलंकित करती है। बाल विवाह ना सिर्फ बच्चों से बचपन छीनता है बल्कि उनके मानव अधिकारों का हनन भी करता है। आज केवल भारतवर्ष में दुनिया के 40% बाल विवाह होते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के सबसे ज्यादा बालिका वधु भारत में है। बाल विवाह कानूनन अपराध है, फिर भी भारत के ज्यादातर राज्यों में सरेआम बाल विवाह किया और कराया जाता है। और इस कुप्रथा को खत्म करने का बीड़ा उठाया है हमारी आज की स्त्री शक्ति, हमारी आज की युवा शक्ति रोशनी बैरवानी, जो खुद बाल विवाह का शिकार रह चुकी हैं और आज उसे रोकने के लिए समर्पित है। तो आइए पूरे उत्साह से हम स्वागत करते हैं हमारी आज की युवा शक्ति, स्त्री शक्ति रोशनी बैरवा का। आइए रोशनी बैठो। रोशनी, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगी कि आप राजस्थान से यहाँ पर हमारे स्त्री शक्ति के मंच पर आई। थैंक यू सो मच। रोशनी, मुझे पहले बताओ आपकी उम्र क्या है? 22 वर्ष। और आप राजस्थान में कहाँ रहती हैं? राजस्थान में टोंक जिले में पीपलू तहसील में एक छोटा गांव मोहम्मद नगर ढाणी। तो परिवार में कौन कौन है आप? दादा दादी हैं, दादाजी नहीं है अभी, दादी हैं। और आपके माँ बाप? मम्मी पापा का देहांत हो गया, दादाजी का भी हो गया, वो दादी है घर में। और दादी आपको आपका पालन करती हैं? जी हाँ। तो आप मुझे अपने बचपन के बारे में थोड़ा बताइए। 2 साल की थी तभी मम्मी पापा का देहांत हो गया था बीमार होने के कारण, और दादा दादी ने पालन पोषण किया था जी, और दादाजी पढ़ाए थे हमें 12वीं तक, और दादाजी का हो गया फिर मेरा बचपन का बहुत संघर्ष। तो वो जो संघर्ष आपका बचपन का था हाँ। वो कैसा था? मतलब आप जब छोटी थी तो आप पढ़ना लिखना चाहती थी? जब मैं छोटी थी तो पढ़ना लिखना चाहती, दादाजी भी चाहते थे कि अगर ये पढ़ लिख जाए तो अच्छा रहे, मम्मी पापा नहीं थे तो जी। मैं पढ़ना लिखना चाहती थी, दादाजी ने हिम्मत करके मुझे 12th पास तो करवा दी थी। फिर जो घर में किसी कोई काम करने वाला नहीं होता तो फिर हमारे दादाजी के एक लड़के को रख लिया हमारे पालन पोषण के लिए कि फिर कौन करेगा, दादा दादी वृद्धावस्था में थे। लेकिन पढ़ाई के लिए पैसे की ज़रूरत होती है, तो वो पैसे आपकी पढ़ाई के लिए किसने दिए? दादाजी ने घर में बकरी रखी रखी थी तो बकरियों चराते थे, तो बकरियों को बेच कर पढ़ाया करते थे। मैंने बकरियाँ चराते थे और उसी से आपके घर का खर्चा चलता था और आप पढ़ाई भी कर हाँ। पाती थी। रोशनी, आप हमें बताइए कि जिनको आपके दादाजी ने गोद लिया उनकी उम्र क्या थी? जब वो 34 साल के थे। इसका मतलब उनकी शादी हुई भी हाँ, थी शादी और उनके बच्चे थे जी, अपने? हाँ, 3 बच्चे। 3 बच्चे और आपके भाई और आपकी भाभी आपके हाँ। साथ और दादा दादी के साथ रहने आ गए। और वो उस समय क्या करते थे, क्या काम करते थे? वो बस खेती का काम करते हैं सभी। क्या वो तो पढ़ाना नहीं चाहते, दादाजी चाहते थे पढ़ाना, वो पढ़ाना नहीं चाहते, वो पढ़ाना नहीं चाहते थे जी हाँ। तो उनके अपने बच्चे कितने थे? उनके 3 बच्चे। और क्या लड़की लड़का? लड़की नहीं है, तीनों लड़के। तीनों लड़के हाँ। तीनों लड़के, तो वो क्या तीनों लड़के पढ़ते थे? हाँ, तीनों पढ़ते। तो यानी कि वो चाहते थे कि जो लड़की घर में है यानी कि रोशनी, वो पढ़ाई ना करे, लेकिन जो 3 लड़के हैं
वो पढ़ाई करें। तो ये भेदभाव जो था वो बचपन से ही आपने ये भेदभाव लड़की और लड़के में अंतर जो होता है वो देखा। तो दादाजी का देहांत कैसे हो गया और कब हुआ? उनकी हो गई थी उम्र 12th पास करने के बाद, उनकी जब मेरे एग्जाम थे तब हो गई थी उनकी देहांत। तो दादाजी की वजह से आपने 12th पास की जी, और उस वक्त आपकी उम्र क्या होगी? जब मेरे दादाजी का देहांत हो गया तब 18 साल की हो गई थी, 12th पास कर ली थी मैंने। आपके दादाजी चाहते थे कि मेरी जो बेटी है वो पढ़ाई करे जी, तो आपके दादाजी के लिए जोरदार तालियां थी। रोशनी आप बताओ कि जब आपके बाल विवाह की बात हुई परिवार में तो आप कितनी उम्र की थी उस समय? जब मैं 14 वर्ष की थी। 14 वर्ष की थी जी हाँ। तो इसका मतलब आप उस समय पढ़ ही रही थी? पढ़ रही थी। तो ये निर्णय क्या आपके दादाजी का था? हाँ दादाजी का था। और क्यों दादाजी ने ये निर्णय क्यों लिया? दादाजी चाहते थे कि अब मैं आगे की पढ़ाई नहीं करवा सकता, और गरीब स्थिति के कारण वो बकरी चरा कर जो पैसे खर्च करते थे पढ़ाई के लिए, तो बोल रहे थे कि आगे नहीं हो पाएगा, तो चाहते थे कि शादी हो जाए। तो आपने जब दादाजी को कहा कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहती हूँ, मैं पढ़ना चाहती हूँ, तो आपके दादाजी ने क्या कहा? दादाजी ने बहुत जिद की थी, नाराज भी हो गए थे, लेकिन दादाजी ने मुझे समझाया कि दादाजी मैं चाहती हूँ अभी 12वीं तक तो मैं। आपने समझाया दादाजी को? हाँ। आपने क्या बोला उन्हें? दादाजी मैं पढ़ना चाहती हूँ, बाद में शादी करना ठीक है, अगर आप कह रहे हो तो 12वीं बाद में शादी कर देना। तो उसमें दादाजी ने क्या बोला? दादाजी नाराज हो गए, समाज के लोग सभी भला बुरा कहते हैं कि बड़ी हो गई। जब मैं 14 वर्ष की थी, लेकिन गाँव में तो 13-14 साल की लड़की की शादी हो जाती है ना। तो अब मुझे आप बताओ कि शादी आपकी तय कर दी गई, क्या आपकी शादी हुई या आपने होने से पहले ही उसे रोक दिया? जो लग्न पत्रिका होता है ना जी, वो होने वाला ही था, उनसे पहले मैंने मना कर दिया। तो फिर दादाजी माने कि नहीं माने, क्योंकि तो नाराज तो बात हो गई थी ना। हाँ, समाज के लोग और भी भला बुरा कहते, जो चाचा वगैरह थे वो जानते थे कि अब बड़ी हो गई है, इतनी समझदार हो गई कि दादाजी को समझा रही है। फिर दादाजी कैसे माने? जो हमारे समाज में जो बनी हुई थी ना, हमारे गांव में शिव शिक्षा समिति द्वारा एक बैठक चलती थी, हमारी बच्चों की बैठक चलती थी जी हाँ, बाल समूह, कालीबाई बाल समूह चलता था, तो उनमें यही बाल विवाह के बारे में, कालीबाई बाल समूह तो उसमें क्या बातें, आप उसका हिस्सा थी जी, मैं उनकी सदस्य थी। उनकी आप सदस्य थी, तो मुझे ये बताओ ये हिम्मत जो है, ये जोश जो है, जो ये विरोध करने की जो शक्ति आपके अंदर आई वो कैसे आई? वो बाल समूह के माध्यम से, और हमारे बाल समूह के बच्चों का बना हुआ था ना, तो मैं बच्चों को जाकर बोली कि मेरे घर वाले शादी करना चाहते हैं, तो सब चिल्लाने लग गए कि हम तुम्हारे घर चलेंगे और दादाजी को बोलेंगे। रोशनी आप राजस्थान से हैं, मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि राजस्थान में 68% लड़कियों का विवाह 18 वर्ष से कम आयु में होता है। इसे रोकने के लिए राजस्थान सरकार ने कड़े कानून बनाए हैं। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के अनुसार बाल विवाह में भाग लेने वाले हर एक व्यक्ति को 1,00,000 रुपया जुर्माना अथवा 2 साल कठोर कारावास या दोनों दिए जाने का प्रावधान है। रोशनी आप मुझे बताइए कि जब आपने बोला कि मैं बाल विवाह नहीं करना चाहती हूँ, तो आपके जो चाचा आपके साथ रहते थे जिन्हें आपके दादाजी ने गोद लिया था, उन्होंने क्या किया? चाचा चाची तो पढ़ने लिखने का खर्चा ही नहीं उठाते थे, वो उन्होंने कहा कि मैंने मना कर दिया था कि मैं घर का काम नहीं करूंगी और पढ़ना चाहती हूँ, तो उन्होंने तो बिल्कुल ही मना कर दिया, वो नाराज हो गए थे, मुझसे बात भी नहीं करते थे। तो आपने उनको समझाने की कोशिश नहीं करी कि मैं पढ़ना चाहती हूँ, मुझे पढ़ने दो? मैंने समझाने की कोशिश तो की, लेकिन वो एक भी नहीं मानते थे। और जब मैं 12th की परीक्षा देकर आ रही थी तो मुझे जयपुर ले गए, जो ये जो होता ना बाल चाइल्ड बाल लेबर जो जी, उसमें ले गए। वो पढ़ाना नहीं चाहते थे, काम करवाना चाहते थे उनके साथ। मम्मी पापा होते तो मेरे साथ ऐसा बर्ताव नहीं किया जाता, चाचा चाची जो मेरे साथ बर्ताव करते थे, मुझे पढ़ाना नहीं चाहते थे, जयपुर ले आए झूठ बोलकर। अगर मम्मी पापा होते तो ऐसा बर्ताव नहीं किया जाता, आज मैं गांव में रहती और बहुत खुश रहती। एक छोटी सी लड़की जो पढ़ना लिखना चाहती थी, उसकी आवाज को बंद कर दिया गया, उसके चाचा चाची उसे जयपुर ले गए और बाल मजदूरी करने की कोशिश करी उसके साथ। अभी मुझे बताओ आप, अगर पढ़ लिखने के बाद आप क्या बनना चाहती थी? मैं तो टीचर बनने की कोशिश थी, जो हमारे गांव में जो लड़कियां स्कूल नहीं जाती है, हाँ? जो बकरियां चराती, तो उनका एडमिशन करवाया स्कूल में। आपने कराया उनका एडमिशन स्कूल में? हाँ। तो मैं चाहती थी कि टीचर बनकर इन सबको पढ़ाऊं, जो लड़कियां बोलती है कि घर मेरे पास पैसे नहीं है, मैं पढ़ना चाहती हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि अगर वो लड़कियाँ भी मेरे जैसे पढ़े। दोस्तों आपने सुना रोशनी ने क्या कहा कि वो खुद नहीं पढ़ पाई, लेकिन वो चाहती थी कि दूसरी लड़कियाँ जिनके अंदर पढ़ने की चाह है
वो पढ़े लिखे और रोशनी ने एक छोटा सा कदम उठाया, उनका दाखिला स्कूल में कराया ताकि वो पढ़ सकें। इसके लिए तालियां। इतनी छोटी सी उम्र में दोस्तों, इतनी छोटी सी उम्र में ये जज्बा वाकई में काबिले तारीफ है। रोशनी, ये ख्याल आपके मन में कैसे आया कि मैं नहीं पढ़ सकती लेकिन मैं चाहती हूँ कि दूसरी लड़कियां पढ़ें? जब मेरे घर वाले नहीं पढ़ाना चाहते थे तो मैं चाहती थी कि अगर चाचा चाची नहीं पढ़ाना चाहते तो मेरे जैसी जो लड़कियां वो बकरी चराती है वो पढ़ना नहीं चाहती है, उनके घर वाले मना करते हैं, तो मैं बोलती हूँ कि मुझे तो नहीं पढ़ाते, आप तो इनके मम्मी पापा हो, आप तो इन्हें पढ़ा सकते हो, इनकी जिंदगी के बारे में सोच सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि जब आपने उन लड़कियों का एडमिशन कराया और उनको बोला कि आप लोगों को पढ़ना चाहिए तो उनके माँ बाप ने विरोध नहीं किया कि आप क्या सिखा रहे हो हमारे बच्चों को, हम तो चाहते हैं कि ये काम करें? पापा नहीं चाहते थे, मम्मी चाहती थी, किसी के पापा चाहते तो मम्मी नहीं चाहती थी। तो आपने कैसे जाकर उनको बोला और कैसे उनको? पहले तो मुझे वो सभी लड़कियों से बात की कि तुम पढ़ लो, नहीं तो मुझे भी नहीं पढ़ा रहे मेरे घर वाले, आप तो पढ़ लो। तो उन्होंने बोला कि तू सही कह रही है, मैं भी पढ़ूंगी। तो बोले कि घर वालों से बाद में बात कर लेना, पहले एडमिशन करवा देना। तो हमारे सरकारी स्कूल में 11 रुपए की वो जो एडमिशन किया जाता फीस होती है जो, तो मैंने सर से बात कर ली थी कि सर इनका एडमिशन किया जाए, फिर बाद में पैसे का तो बाद में हो जाएगा। और कितनी लड़कियां थी जिनका आपने? 7 लड़कियां थी। 7 लड़कियों का एडमिशन आपने कराया। रोशनी, कच्ची उम्र में रोशनी ने अपनी शादी तो रुकवा दी, अपनी नजर में हीरो तो हो गई लेकिन उसे बहुत कुछ खोना पड़ा। एक खास अपने ने उससे अपना कहने का हक छीन लिया, उससे मुंह फेर लिया। वो कौन था, उन्होंने क्या किया और रोशनी के भविष्य पे उसका क्या असर पड़ा, सुनेंगे रोशनी की जुबानी इस ब्रेक के बाद। आप बस स्त्री शक्ति के साथ जुड़े रहिए। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं स्त्री शक्ति, एक ऐसा मंच, एक ऐसा शो जहां आम स्त्रियों के अनूठे कारनामों को हम नमन करते हैं और उनके साथ बातचीत कर उनके जीवन से कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। आज हमारे साथ जो शक्तिपीठ आसन है वो है रोशनी बैरवा, जो मात्र 21 वर्ष की हैं। आप मुझे बताओ रोशनी, जब आपने विरोध किया कि मैं शादी नहीं करूँगी तो आपके जो चाचा जी थे उन्होंने आपका साथ छोड़ दिया जी? आपकी हाँ। चाची ने आपका साथ छोड़ दिया? हाँ। तो आपके दोस्त भी थे जो सहेलियां आपकी थी, उन्होंने भी क्या आपका साथ छोड़ा? हाँ, कुछ लड़कियां थी जो मेरी फ्रेंड्स थी, उन्होंने साथ छोड़ दिया। जब मैं बाल विवाह का विरोध कर रही थी तो उनके घर वाले बोलते थे कि इनसे बात मत करना, ये घर वालों के विपरीत जा चुकी है और ये अपने घर वालों से बोल दिए कि शादी नहीं करूंगी, आपको भी ये भला बुरा कहवाओगी तो आप इनसे बात मत करना। लड़कियां तो चाहती थी बात करना लेकिन उनकी मम्मी पापा की वजह से वो बात नहीं करती थी। अब मुझे एक बात बताओ रोशनी कि आप इसके बाद एक संस्था के साथ जुड़ी, उस संस्था का नाम क्या था? शिव शिक्षा समिति रानोली। तो वहां पर आप क्या काम करने लगी? जब गांव में बाल समूह बना तो उसमें बाल विवाह को लेकर जो लड़कियों का बाल विवाह हो रहा था तो हम लोगों को जागरूक करते थे, उस बाल समूह में जोड़ते थे बच्चों को जिनका बाल विवाह ड्रॉप आउट बच्चे थे उनसे बात करते थे। तो आप गांव में जाते थे, घर घर में जाकर बच्चों से जहां बाल विवाह होता था वहां जाकर रोकते थे, उन बच्चों से बातें करते थे कि ये गलत हो रहा है जो आपके साथ हो रहा है? हमारी पंचायत समिति में 25 गांव है तो हम 25 गांव में जाकर सभी को जागरूक करते थे। तो जो बाल समूह के जो बच्चे थे वो एक साथ मिलकर 25 गांव में, जो आपकी पंचायती समिति में 25 गांव थे वहां जाकर आप लोग एक साथ जाते थे? हाँ, बाल समूह में 22। कितने बच्चे थे आप? 22। 22? हाँ, हम तो लड़के लड़कियां थे कि सारी लड़के लड़कियां? लड़के लड़कियां मिक्स थे। हाँ। तो सब एक साथ जाते थे? एक साथ जाते। और कैसा लगता था उस समय? बहुत अच्छा लगता था, हम साथ जाते थे और लड़कियों का बाल विवाह रुकवाते थे और ये जो पपेट कठपुतली कार्यक्रम उनके माध्यम से भी लोगों को जागरूक करते थे। तो मुझे आप ये बताओ, कभी आप कहीं किसी गाँव में गए हो जहाँ पर आपने जाकर रोका हो बाल विवाह और वहाँ पर किसी ने विरोध किया हो, ऐसी कोई घटना है जो आप हमारे को बताना चाहते हो? हमारे पास में ये कटमाना गाँव है, उसमें एक लड़की की शादी हो रही थी, वो मेरे साथ में पढ़ती थी तो बोल रही थी कि दीदी मेरी शादी हो रही है और मेरे घर वाले और मैं पढ़ना चाहती हूँ, तो लेकिन उनके घर वाले से बात तो की थी लेकिन उनके घर वाले नाराज हो गए, खुद की तो शादी रुकवा रही हमारी लड़कियों को बेखा ऐसा बोलने लगे वो कि खुद की शादी रोक दी अब हमारे बच्चों की शादी रुकवा रही कि आप पढ़ना चाहती हो तो शादी ना करो ना।
अगर आपके घर वाले पढ़ाई का खर्चा नहीं उठाएंगे तो हमारे शिव शिक्षा समिति रानी तो उनसे बात करना, वो करेंगे आपका जो आप पढ़ना चाहते हो, आपको पढ़ने के लिए पैसे देंगे। आपको कैसे पता चलता था कि इस गांव में यहां पर बाल विवाह हो रहा है, या आपको कोई बताता था? या बताता था नहीं, मैं बोल रही हूँ ना कि पंचायत समिति में 25 गांव थे, हर गांव में बाल समूह बना हुआ था, और बड़े लोगों की जो बाल विकास समिति बनी हुई थी ना जी, तो उनसे भी बातचीत कर लिया था। हम बोल देते थे कि आपके गांव में जो भी बाल विवाह की जो भी चर्चा चले तो हम तक पहुँचाए। हाँ, तो वो लोग आपको बताते थे और फिर आप जाकर, हम बाल समूह के बच्चे और शिव शिक्षा समिति का स्टाफ सभी जाकर हम बातचीत करते थे उनके मम्मी पापा से। तो अभी मुझे आप बताओ, आपने कितनी जो बाल विवाह है वो रुकवाने में आपको सफलता प्राप्त हुई है? जी, मैंने अभी तक 15 बाल विवाह रुकवाए हैं। 15 बाल विवाह एक छोटी सी लड़की ने, 21 साल की लड़की ने रुकवाए हैं। दोस्तों, इसके लिए जोरदार ताली। तो अब मुझे एक चीज और बताओ कि जब आप बाल विवाह किसी गांव में रोकने के लिए गए हो, तो वहां पर पुरुषों ने, माता पिताओं ने आप लोगों को धमकी दी है कभी कि? और जिन लड़कियों का हम बाल विवाह रुकवा रहे थे तो उनके माता पिता हमसे नाराज हो गए थे। जब वो लड़कियों का बाल विवाह रुक गया और वो पढ़ रही है, तो अब उनके मम्मी पापा बहुत गुस्सा में बहुत अच्छा रखते हैं, वो खुश हैं अब। हाँ, अगर जब आप हमारी लड़की की शादी नहीं रुकवाती तो अगर क्या पता ये पढ़ पाती या नहीं पढ़ पाती। तो इसका मतलब जो माँ बाप पहले आपके विपरीत थे, आपसे गुस्सा थे, आपसे खफा थे कि ये हमारी बच्ची को गलत चीजें सिखा रही है, वो माँ बाप अब खुश हैं, अब वो गुस्सा में जाते हैं और आपके दोस्त बन गए हैं। जी हाँ, तो वो भी हमारा साथ देते हैं। अगर कोई भी लड़की का बाल हुआ तो हमें भी बोला करो, हम भी आपका साथ देंगे। तो रोशनी, आपने उन माँ बाप की सोच को बदला, उनके ख्यालात को बदला, उनकी मदद करी, उनको एक नई दिशा दिखाई, उसके लिए जोरदार तालियां। तो अब आप पढ़ाई तो करती ही हैं, तो उसके साथ साथ अपने रहने का खर्चा भी उठाती हो आप क्या? हमारे समाज के लोग हैं वही उठा रहे हैं, हमारे जो भी पढ़ाई का जो भी खर्चा है वो। तो जो समिति के लोग हैं वो उठा रहे हैं। दोस्तों, जो समाज यानी कि बैरवा समाज जो रोशनी के खिलाफ था, आज वो ही रोशनी के साथ है, इनकी शिक्षा का खर्चा उठा रहा है। बैरवा समाज के लिए और शिव शिक्षा समिति रानोरी के लिए जोरदार तालियां। रोशनी, हमने आपके जानने वाले लोगों से बातचीत की है, आइए देखते हैं कि वो क्या कहते हैं। रोशन की अगर बात करें तो हमारे यहाँ पर बाल विवाह होना एक आम बात है। लड़कियों की छोटी उम्र में 10-12 साल से लेकर के शादी कर दी जाती है। रोशन एक पहली लड़की के तौर पर सामने आई जिसने अपना बाल विवाह रुकवाया, घर वालों को मना किया। इस बाल समूह से जुड़ करके इसने खुद ने अपने माता पिता और समाज वाले लोगों को मना कर दिया, और जो पुराने जो लोग हैं वो काफी लोग इनका विरोध किया, लेकिन ये नहीं मानी। रोशन बाल समूह के माध्यम से जुड़ करके हमारे गांव-गांव में, ढाणी ढाणी में, घर परिवार में मिल करके ये शिक्षा को लेकर के इसकी काफी पहल हुई है। इससे है ना बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है सभी लड़कियों को, और इसके बारे में बहुत कुछ सोचती है लड़कियां, और जो ये करती है उसके पीछे पीछे चल रही है लड़कियां, और इसकी बात सभी गाँव वाले मानते हैं। और हमारे गाँव में रोशनी पढ़ रही है, और भी बच्चे पढ़ रहे हैं और अच्छी पढ़ाई कर रही है, पढ़ाई में होशियार है। और यही नहीं, अब दूसरे गांव में जब जाते हैं वहां पर पूछते हैं कि आपके गांव की रोशन, तो एक गर्व सा महसूस होता है कि नहीं, हमारे गांव की बच्ची ने कुछ अच्छा किया है, तो एक खुशी मिलती है, और हम भी अपने बच्चों को इसके जैसा ही बनाना चाहते हैं। रोशनी, हमारे हिंदुस्तान में और भी लड़कियां हैं जिन्होंने प्रण लिया है कि वो बाल विवाह जैसी कुरीति को जड़ से उखाड़ फेंक देना चाहती हैं, तो आइए हम उन्हें मिलते हैं। भारत के राज्य राजस्थान में 68% से भी ज्यादा लड़कियों का बाल विवाह कराया जाता है। विश्व भर में अगर इस प्रचलन को नहीं रोका गया तो अगले दशक के आगमन तक करीबन 142,000 लड़कियां अपने 18वें जन्मदिन के पहले विवाहित होंगी। आश्चर्यजनक बात तो ये है कि कई बार 5 लड़कियों की शादी, जिसमें से सबसे बड़ी की उम्र 12 से 13 साल और सबसे छोटी की 2 महीने, एक साथ इनका बाल विवाह करा दिया जाता है। ऐसा शादी के ऊपर होने वाला खर्च और भारी दहेज से बचने के लिए किया जाता है। पेरेंट्स ने पहले ये सोचा कि इनकी 3 की शादी कर देते,
लेकिन जो समाज है और जो लोग हैं उन्होंने कहा कि तीन की शादी शुभ नहीं होती है, तो क्यों ना चार की शादी कर दो। तो उन चार के साथ मेरी शादी भी हो गई। उस टाइम मेरी उम्र थी 3.5 साल की। बाल विवाह के और भी कई दुष्परिणाम हैं, जैसे बच्चियों का अपने से बड़े पति द्वारा शोषण, उसकी जल्दी मौत के कारण बाल विधवा होना, फिर ससुराल वालों के दुर्व्यवहार सहना, अपने मायके ना लौट पाना, पढ़ाई ना कर पाना, बचपन में ही गर्भवती होकर बच्चों की माँ बन जाना, संक्षिप्त में अगर कहें तो वक्त से पहले ही पूरा बचपन छीन जाना। लड़कियों का बाल विवाह जहाँ उनके लिए अभिशाप बन जाता है, वहीं लड़कों का वक्त से पहले शादी करवा देना उनका भी बचपन छीनने के बराबर है। पर इस घोर अंधेरे में भी रोशनी की एक छोटी सी किरण जग रही थी। अनु कुमारी जैसी लड़कियां जिन्होंने महिला जन अधिकार समिति की मदद से इस प्रथा के खिलाफ आवाज उठाई और अपने लिए एक नई जिंदगी संजोने का प्रण लिया। अनु कुमारी का विवाह बचपन में जरूर हुआ हो, पर आज वो अपने विवाह से मुक्त होकर एक आजाद जिंदगी जी रही है। अनु को अपनी जाति बिरादरी से इसके लिए विरोध सहना पड़ा, पर अनु को इसका कोई गम नहीं है। जो अभी पंच थे या वो थे मेरे ससुराल वाले थे, उनको बड़ा दुख हुआ कि एकदम से इसके पक्ष में हो गया सारा सब कुछ। पिछले 3 सालों से ये देखने में आ रहा है कि जाति वाले कोई भी नहीं बुलाते, लेकिन इस बात का दुख नहीं है, खुशी इस बात की है कि जो मैंने निर्णय लिया या जो मेरा फैसला था मैं उस पर रही और मैं उसमें सफल भी हुई। मैं हमेशा से यही सोचती रही थी कि मैं भी पढ़ूँ लिखूँ, और आज भी मेरी यही इच्छा है। आज मैंने डबल एमए किया है, जो शायद मेरे समाज में मैं एक पहली लड़की हूँ जो पंचायत में बोली, और साथ ही अपनी जो पढ़ाई है वो जारी रखी। और मेरा एक बहुत मन था और एक सपना भी है कि मैं एक टीचर बनूँ। रोशनी, हम आपसे बहुत सारी और बातें करेंगे और ये भी जानेंगे कि जागरूकता फैलाने का अनोखा तरीका क्या है, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आप सबका फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं स्त्री शक्ति और आज हमारे साथ युवा शक्ति हैं रोशनी बैरवा। रोशनी, आप पढ़ाई लिखाई तो कर ही रही हैं, आगे क्या करना चाहती हैं? फाइनल ईयर की एग्जाम दी है और आगे भी पढ़ना चाहती हूँ, और पीटीटी एग्जाम जो बीएड का होता है वो भी मैंने दिया है, और मैं अभी टीचर की तैयारी कर रही हूँ। अभी मुझे बताओ, जो आप बाल विवाह जहाँ रोकने जाते हो, लोगों को शिक्षा देने जाते हो, तो वो क्या तरीका इस्तेमाल करते हो? जब मैं गांव में जाती हूँ सभी को बाल विवाह के बारे में, तो हमारा थिएटर ग्रुप बना हुआ है जो बाल समूह का है। हाँ। तो हम कठपुतली कार्यक्रम से सभी लोगों को जागरूक करते हैं। ओ, तभी आपके जो कठपुतलियाँ आपके दोस्त आपके बगल में बैठे हैं। जी हाँ। तो फिर आप हमें बताओगे कि आप इनका कैसे इस्तेमाल करते हो और ये आपका साथ कैसे देते हैं लोगों को शिक्षा देने में? जब हम इनसे बात करते हैं, इनसे बात कराते हैं, तो उनको देखने के लिए और भी ज्यादा उत्साहित होते हैं और जागरूक करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो आप हमें बताओगी कि कैसे करते हैं? चलो तो इनके नाम बताइए, ये कौन है? ये संतोष। संतोष, और ये कौन है? ये चिंटू दादा। चिंटू दादा, और ये मैना। ये मैना। तो संतोष, चिंटू दादा और मैना की तरफ से नमस्कार नमस्कार नमस्कार। तो अब संतोष दीदी, चिंटू दादा और मैना एक गांव में जाएंगे। जी हाँ। और लोगों से गाना गाकर बातचीत करेंगे। तो चलो शुरू हो जाते हैं। अब हम आ गए हैं। आ गए हैं। अब हम सभी को बाल विवाह के बारे में सभी लोगों को जागरूक करेंगे गानों के माध्यम से। बापुली छोटी सी उम्र में परिणाई जो मतीना, मर जिंदगी ने धूल में मिलाई जो मतीना। बापुल छोटी सी उम्र में परणाई जो मतना, मैं जिंदगी ने धूल में मिलाई जो मतना। मैं हूँ रे बापुल तेरे बागारी चिड़कली, मैं हूँ रे बापुल तेरे बागारी चिड़कली। माने बाल विहारा जेल में पसाई जो मतना, मारी जिंदगी ने धूल में मिलाई जो मतीना। बापुल छोटी सी उम्र में परणाई जो मतीना, मारी जिंदगी ने धूल में मिलाई जो मतीना। मैं हूँ रे
बापुल तेरे घरारी रोशनी, मैं हूँ रे बापुल तेरे घरारी रोशनी, माने देर जपुटो बुझाई जो मतीना, मर जिंदगी दे धूल में मिलाई जो मतीना। वाकई में दोस्तों कितने सुंदर और कितने मीनिंगफुल बोल हैं इस गीत के। मुझे पहली लाइन बताओ एक बार रोशनी। बापुल छोटी सी उम्र में परिणाई जो मतेना, मतलब बापू मेरी छोटी सी उम्र में मेरी शादी मत करिए, मेरी जिंदगी को धूल में मिलाई जो मतेना, मेरी प्यारी सी जो जिंदगी है उसे धूल में मत मिलाओ बापू। तो बापू को दरख्वास्त कर रही है ये छोटी सी लड़की कि मेरी जिंदगी को धूल में मत मिलाओ, छोटी सी उम्र में मेरी शादी मत करो। वाकई में ये बहुत खूबसूरत गाना है और इसके लिए आपको रोशनी और आपके जो साथी हैं संतोष दीदी, मैना और चिंटू दादा, इन सब के लिए जोरदार तालियां। दोस्तों अब हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद मैं एक खास मेहमान से आपको मिलाऊंगी। तो लेते हैं अब हम छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। आज स्त्री शक्ति के मंच को रोशन कर रही हैं रोशनी बैरवा, जिन्होंने 14 साल की उम्र में बाल विवाह करने से मना कर दिया और अब तक 15 बाल विवाह रुकवा चुकी हैं और भारतवर्ष को बाल विवाह जैसे अभिशाप से मुक्त कर देना चाहती हैं। रोशनी, मैं स्त्री शक्ति के मंच पर फिर से आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों और अब मैं स्त्री शक्ति के मंच पे बुलाना चाहूंगी रश्मि की सहकर्मी शिव शिक्षा समिति से जुड़ी हुई देवशी को। नमस्ते नमस्ते देवशी, प्लीज बैठिए। देवशी आपका हमारे मंच पर स्वागत है। थैंक यू। आप जानते हो कि हम बाल विवाह के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप इस विषय से कैसे जुड़ी हैं? एक्चुअली मैम, शिव शिक्षा समिति जो है स्टार्टिंग से ही चाइल्ड प्रोटेक्शन के इश्यूज पर काम कर रही है और चाइल्ड मैरिज इज अ बिग इशू और चाइल्ड मैरिज और राजस्थान का कॉम्बिनेशन बहुत ही है डेडली, तो क्योंकि सेकेंड प्लेस लेता है राजस्थान चाइल्ड मैरिज को लेकर के, तो वहाँ पर ज्यादा फिर ऑप्शन शुरू हो जाते हैं चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए जी। तो हम लोग शुरू से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे हम उसको होने से पहले उसको प्रिवेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे आप बताओ कि राजस्थान में बाल विवाह का इतना प्रचलन क्यों है, आपको क्या लगता है इसका रीजन क्या है? एक तो एजुकेशन अवेयरनेस बहुत कम है वहाँ, साथ में सोशल इश्यूज बहुत ज्यादा निकल के हम लोग कहते हैं कि हैं। किस तरह की सोशल इश्यूज? गर्ल सिक्योरिटीज की बात करते हैं ना हम लोग जी, गर्ल सिक्योरिटी नहीं है, पहले शादी कर देंगे तो हम लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भी बच जाएंगे और साथ में हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी खत्म बच्चे की शादी करके, ठीक है? तो वो पर मेन प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग अगर डाटा एनालाइज करें राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में, तो वहाँ पर मेल चाइल्ड मैरिजेस ज्यादा है फीमेल की, मेल चाइल्ड मैरिजेस, और उसका मेन कारण क्या है कि जो ये लोग सेक्स सिलेक्शन की बात करते हैं ना कि लड़का लड़की डिफरेंस क्रिएट करते हैं, और ये जो फीमेल फीटस हेड है हाँ जी, वो एक बहुत मेन कारण है वहाँ पर। फैमिलीज को ये लग रहा है कि शायद बड़े होकर लड़कियाँ नहीं मिल पाएंगी, तो वो बचपन में उनकी शादी कर देते हैं, तो इसीलिए परिवार को लगता है कि लड़कों को लड़कियाँ नहीं मिलेंगी जब हाँ, बड़े हो जाएंगे, तो अभी जब मिल रही है लड़कियाँ हाँ, तो अभी ही बाल विवाह इनका कर दिया जाए। बिल्कुल। साथ में गवर्नमेंट ने एक स्ट्रक्चर और बनाया है बाल संरक्षण समिति, जिसमें सरपंच, पंचायत के अध्यापक, सभी लोग मेंबर होते हैं और दो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं चाइल्ड कलेक्टिव्स के, क्योंकि कानून में प्रावधान ये भी है कि 166 जो उसकी धारा कहती है चाइल्ड मैरिज एक्ट की, कि अगर सरपंच या जो भी बाल संरक्षण समिति का सदस्य है बाल विवाह को रुकवाने के लिए कोई एक्शन नहीं लेता तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो ये तो अच्छा स्ट्रक्चर है, बिकॉज़ इससे सतर्क रहते हैं आप, एक जिम्मेदारी का एहसास आपके पास हाँ, और एक ग्रास रूट लेवल तक हमारा टच है। जैसे कि इसी बार मैं बात करूं तो हम लोगों ने 97 चाइल्ड मैरिजेस आइडेंटिफाई किया था अपने विलेज में, सिर्फ आपके अपने विलेज में जी बिल्कुल 97 चाइल्ड मैरिजेस जी। तो आपके जो इस कार्य जो आप जो कर रही हैं, आपके इस प्रयास के लिए जोरदार तालियां। अब आप
मुझे बताओ देवश्री, ये सारे कार्य करने में मुश्किलें जो आती हैं, बाधाएं जो आती हैं, वो कैसी होती हैं? सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है कि कैसे आप सामने वाले को मोटिवेट करेंगे कि चाइल्ड मैरिज ना करें। तो रोशनी, आप मुझे बताओ कि आप कैसे मदद करती हैं देवश्री? जब हम बाल विवाह रुकवाते हैं तो ये दीपक जलाकर जो गाँव में रैली निकालते हैं, तो उनके माध्यम से सभी गाँव वालों और गाँव के लोगों को कसम डलाई जाती है। तो वो कसम डलवाने के बाद में अपने बच्चों का बाल विवाह नहीं करते हैं। जब देवी देवताओं के सामने हम हाथ जोड़कर बैठते हैं तो वो सोचते हैं कि जैसे हम भगवान के सामने उस जोत को रखकर कसम डलवाते हैं, तो वही है ये भी। देवश्री, ऐसी कोई हेल्पलाइन है जहाँ पर अगर मैं इर्द गिर्द अगर देखूँ या हमारी जनता को पता चले कि कहीं पर बाल विवाह हो रहा है या ये हो रहा है, तो हम फोन कर बता सके, ऐसी कोई सुविधा है? एक सेंटर गवर्नमेंट का नंबर है 1098 चाइल्ड लाइन, मेरे ख्याल से सबको पता होगा, जो हर चाइल्ड प्रोटेक्शन के इशू को कवर करती है, लाइक चाइल्ड मैरिज, चाइल्ड लेबर, सेक्सुअल अब्यूज या कोई सोशल स्कीम या कॉर्पोरल पनिशमेंट, डोमेस्टिक वायलेंस, हर इशू को। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी, बच्चे खुद भी फोन कर सकते हैं जिनके साथ ये जुल्म हो रहा है, 1098 1098 पे प्लीज फोन कीजिए। अगर आप कहीं भी ये सारी जो इतनी दर्दनाक दुर्घटनाएं जो एक तरह से होती हैं हम सबके साथ, बच्चों के साथ देखते हैं, तो प्लीज वहां पर फोन करके इत्तला कीजिए और बंद कीजिए इस सारी प्रथा को। देवश्री, थैंक यू सो मच, शुक्रिया आप यहाँ पर आई, आपने इतनी सारी इंफॉर्मेशन हम लोगों को दी, आपके लिए जोरदार तालियां। जहाँ जहाँ बाल विवाह अभी प्रचलन में है वहाँ हमने लोगों से पूछा है कि क्यों लड़कियों की शादी कच्ची उम्र में की जाती है। माँ बाप को पैसे का जरूरत होता है, उसके लिए भी शादी बनाता है। जो पेरेंट्स होते हैं वो सोचते हैं जितनी जल्दी लड़कियों को मैरिड हो जाएं, जितनी जल्दी लड़कियाँ अपने लाइफ में सेटल हो जाए उतनी जल्दी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म हो जाती है, शायद इसलिए वो पेरेंट्स जल्दी शादी करवाते हैं अपनी बेटियों की। और जो सोसाइटी में आजकल केसेस होते हैं वो सुन के और पेरेंट्स डर जाते हैं कि मेरी बेटी के साथ ऐसा कुछ नहीं हो, उससे पहले हम लोग शादी कर दें, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से फ्री हो जाएं, ऐसे सोच के शायद वो जल्दी पेरेंट्स शादी कर देते हैं। किसका किसका रिवाज होता है, रिवाजों के हिसाब से शादी कराते हैं, किसकी गरीब परिस्थिति होती है उस हिसाब में शादी करा देते हैं छोटे बच्चों का। ज़्यादातर माँ बाप अपने बच्चों का जल्दी शादी इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि वो खुद शिक्षित नहीं है, वो सोचते हैं कि लड़कियाँ हमारे लिए बोझ हैं या फिर वो बहुत गरीब हैं, वो अपनी जिम्मेदारी को ख़त्म करना चाहते हैं। बाल विवाह नहीं होना चाहिए, इससे जल्दी बाल विवाह होने से उसकी एजुकेशन पूरी नहीं होती है। रोशनी, जैसे आपने मन में ठान लिया है और प्रण लिया है कि आप लड़कियों के साथ काम करेंगी, उन्हें पढ़ाएंगी लिखाएंगी, बाल विवाह को रोकेंगी, वैसे ही हमारे हिंदुस्तान में और भी लड़कियां हैं जिन्होंने प्रण लिया है कि वो बाल विवाह जैसी कुरीति को जड़ से उखाड़ फेंक देना चाहती हैं, तो आइए हम उन्हें मिलते हैं। कहते हैं कि हम लड़कियों को पढ़ाएंगे, कई पता लड़कियां भाग जाएगी किसी लड़कों के साथ में, तो मैंने बोला है कि जैसे मैं भी तो पढ़ी हूँ, मेरी तरह क्यों नहीं पढ़ सकती वो, जैसे मैं पढ़ रही हूँ मैं कोई दूसरी लड़की को देके तो लड़कियां सीख ले सकती है ना। तो मेरे जैसे मैं पढ़ती थी ना तो लोग सोचते थे कि जैसे ये पढ़ रही है तो हम अपनी बेटियों को भी पढ़ाएंगे, तो भी अपनी बेटियों को पढ़ने भेजते हैं। मेरा नाम हसीना बानू है, मैं कक्षा 8 में पढ़ती हूँ, गांव जसर में रहती हूँ, हमारी शादी हो गई तो इसलिए मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि बाल विवाह बहुत कानूनी अपराध है और हमारी शादी हुई तो कोई बात नहीं, किसी के और की होती रहेगी तो 1098 पे हम कॉल करेंगे और हम इसे बंद करा के ही छोड़ेंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद और बातें करेंगे हमारी आज की युवा शक्ति रोशनी से। वेलकम बैक टू स्त्री शक्ति, आप देख रहे हैं स्त्री शक्ति और आज हमारे बीच है युवा शक्ति रोशनी बैरवा, जिनका एकमात्र मिशन है बाल विवाह रोकना और बाल वधू की प्रथा को समाज से खत्म कर देना। रोशनी, आपने दरख्वास्त की थी कि आपके स्पेशल टीवी एक्टर से मिलना चाहते हैं और हमने वो आपकी दरख्वास्त पूरी कर दी है, लेकिन उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपका फेवरेट टीवी शो कौन सा है जो आप देखती हैं? बालिका वधू।
क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपकी कहानी से जुड़ा हुआ है। तो अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि जो हम एक्टर, जो सेलिब्रिटी गेस्ट को हम लेकर आ रहे हैं, वो बालिका वधू की एक्ट्रेस हैं और बहुत ही सुंदर हैं और मेरी बहुत प्यारी दोस्त हैं। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, तालियों के साथ स्वागत कीजिए स्मिता बंसल जी का। स्मिता, सबसे पहले तो मैं थैंक यू कहना चाहूँगी। थैंक यू तो मुझे कहना चाहिए आप लोगों का कि आप लोगों ने मुझे बुलाया यहाँ पर और एक रियल एग्जांपल से मुझे मिलने का मौका मिला है, सो आई एम रियली हैप्पी टू बी हियर। स्मिता, आप मुझे बताओ, आपने अपने शो में एक बाल वधु की सास का किरदार निभाया है, तो और यहाँ पर एक बाल वधु आपके साथ रियल लाइफ में नहीं बल्कि रियल लाइफ में है, तो उसमें जो डिफरेंस आपको जब आप वो किरदार निभा रही थी एक सास का, तो आपको कैसा महसूस होता था? एक्चुअली जो मेरा किरदार है शो में, वो तो वैसे भी अपनी बहू से बहुत प्यार करता है और उसे अपनी बेटी की तरह पालता है, तो इसलिए आई विल नॉट से कि मुझे कुछ उसमें नेगेटिविटी लगी, बट हाँ ये ज़रूर था कि मैं कभी अपनी बेटी का बाल विवाह नहीं होने देना चाहूँगी, क्योंकि बेसिकली जो उनके बढ़ने की उम्र होती है, जो उस वक्त उनकी पढ़ाई इम्पॉर्टेंट होती है, उनके लिए खेलना कूदना इम्पॉर्टेंट होता है, उसमें वो घर गृहस्थी में उलझ जाती हैं। वी ऑल नो कि शादी के बाद औरतें जो हैं उनकी प्रायोरिटीज़ बदल जाती हैं, उनकी वो खेलने कूदने के दिन ख़त्म हो जाते हैं, तो ऑफकोर्स वो जो है मैंने, क्योंकि बालिका वधू के सेट पे हमने इनिशियली एक साल दो साल वही चीज़ को एक्सप्लोर किया था कि हाउ एक छोटी बच्ची जब बहू बनकर किसी के घर में आती है तो कैसे उस, चाहे वो घर कितना ही उसे प्यार दे, वो उस तरह से पनप नहीं पाती, उस तरह से फल फूल नहीं पाती। मैं राजस्थान की हूँ, जयपुर की रहने वाली हूँ, तो मैंने इसके बारे में सुना भी था, मुझे पता भी था, तो मगर बालिका वधू इतने साल करने पर मैंने उसको काफ़ी एक्सपीरियंस किया है। मुझे स्मिता आप ये बताइए कि क्या टेलीविज़न एक माध्यम है जिसके ज़रिए हम अपने देश में अपने समाज को बता सकते हैं कि ऐसी प्रथाएं और ऐसी अन्य चीज़ें जो हमारे सोसाइटी हमारे समाज में होती हैं उस वो गलत है और उसको हम रोक सकते हैं? बिल्कुल, आई थिंक बिल्कुल टेलीविज़न क्योंकि इतना पॉपुलर है, इतने लोग टीवी देखते हैं कि हमारी जो पहुंच है वो घर घर में है, तो हमें अगर कोई मैसेज देना है और हम टीवी के थ्रू दें तो वो सब जगह पहुंचेगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि टीवी के थ्रू कोई भी मुद्दा अगर उठाया जाए या किसी चीज़ के बारे में कॉन्क्रीट बात की जाए तो ऑफ कोर्स उसका असर ज़रूर होता है कि बाल विवाह गलत है, मगर होता है, हम लोग अपना लेते हैं कि ये तो होता है जी, बट क्योंकि हमने उसके अवगुण दिखाए, लोगों को समझ में आया, एंड सरप्राइजिंगली मैंने जब हम लोग दूसरे छोटे शहरों में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो लोग एक्चुअली आके हमें ऐसे बोलते भी हैं कि हम आपका शो देखते हैं और आपको पता है हमारे एरिया में एक बच्ची थी, उसका विवाह होने वाला था लेकिन नहीं हुआ, हम लोगों ने रुकवा दिया। नॉट ओनली बाल विवाह बल्कि विधवाएँ हो जाती हैं उनके बारे में भी हम लोगों ने आवाज़ उठाई थी, एंड तो विधवा का भी दोबारा शादी कराई गई और हम लोगों ने वो अटेंड की है, तो इट इज़ अ वेरी, इट गिव्स अ लॉट ऑफ रिलीफ एंड हैप्पीनेस। स्मिता, आप एक्ट्रेस हैं, बहुत जानी मानी एक्ट्रेस हैं, बिजी भी रहती हैं, बच्चे भी हैं, परिवार की जिम्मेदारी भी है, तो ये जो संतुलन है, ये बैलेंस आप कैसे रखती हैं? मेरे घर में एक स्त्री शक्ति है जो मुझे बहुत हेल्प करती है, मेरी मदर इन लॉ, हाँ जी, जो मैं किरदार भी निभाती हूँ एक मदर इन लॉ, अच्छी मदर इन लॉ का, उसकी भी मैंने प्रेरणा काफ़ी अपनी मदर इन लॉ से ली है, क्योंकि उनकी वजह से मैं अपना प्रोफेशनल लाइफ हैंडल कर पाती हूँ, अपना काम कर पाती हूँ, मुझे बिल्कुल कोई टेंशन नहीं होती घर पर बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं कैसे रखे हुए हैं। शी इज़ अ फैंटास्टिक सासू माँ, वो सिर्फ उनका ही ध्यान नहीं रखती, मेरे पति का भी पूरा ध्यान रखती है। बिल्कुल ठीक है, बिकॉज मैं भी इसी के साथ हूँ, क्योंकि मेरी माँ भी घर पे और मेरे बच्चे का ख्याल रखती है, और इस वजह से मैं आज यहाँ पर स्त्री शक्ति के मंच पर हूँ, काम कर रही हूँ, तो हमारी माताओं के लिए, स्मिता और मेरी माँ के लिए जो वाकई में स्त्री शक्ति है, जोरदार तालियां। रोशनी, सबसे पहले तो तुम्हारे लिए तालियां, तुमने सिर्फ बाल विवाह नहीं रोका, तुम्हें पढ़ने की इच्छा दिखाई। मैं सबसे ये कहना चाहती हूँ कि हम लोगों को पढ़ाई बहुत इजीली मिलती है, शायद हमारे माँ बाप हमें पढ़ाना चाहते हैं इसलिए हम पढ़ना नहीं चाहते, लेकिन ये लोग जिनको
यू नो बहुत मुश्किल होता है। अब मेरी बच्ची को मैं रोज कहती रहती हूँ बेटा पढ़ लो होमवर्क कर लो, हम उसके पीछे पड़े रहते हैं, बट ये बच्ची जो पढ़ना चाहती थी उसने अपनी पूरी फैमिली से लड़ाई की पढ़ने के लिए और अपना बाल विवाह रुकवाया। आई एम सो प्राउड ऑफ यू स्मिता। सिर्फ आपको और हमको ही नहीं बल्कि पूरे भारत वर्ष को रोशनी पर गर्व है। रोशनी के लिए एक जोरदार तालियां दोस्तों। और अब बारी है हमारे आज के सवाल की, और हमारा आज का सवाल है कि रोशनी बैरवा समाज के किस कुरीति के खिलाफ लड़ रही है। आप अपने जवाब, सुझाव और कहानियाँ हमें दूरदर्शन के इस पते पर भेजें। रूम नंबर 305, फेज 1, थर्ड फ्लोर, दूरदर्शन भवन, कोपरनिकस मार्ग, न्यू दिल्ली 110001, या हमें streeshaktipost@gmail.com पर मेल करें। हमारे पिछले हफ्ते पूछे गए सवाल का जवाब है, ऋतु बयानी की संस्था का नाम मिशन हाईवेज इनफाइनाइट है, और हमारे आज के विजेता हैं नितिन त्यागी मेरठ उत्तर प्रदेश से। और हाँ दोस्तों, अगर आसपास आपको कोई स्त्री शक्ति दिखती है तो उनका वीडियो हमें भेजें, हम उन्हें अपने स्त्री शक्ति के मंच पर जरूर आमंत्रित करेंगे। तो इसी जोश के साथ हम ब्रेक लेते हैं, फिर से मिलेंगे ब्रेक के बाद, बहुत सारी बातें करेंगे स्मिता और रोशनी के साथ। वेलकम बैक, हम बात कर रहे हैं रोशनी से और हमारी आज की सेलिब्रिटी गेस्ट स्मिता बंसल से। स्मिता आप बताओ, आप राजस्थान से हो तो आपके परिवार में कैसा माहौल था, लड़कियों और लड़कों के बीच में कोई भेदभाव था? मुझे लगता है कि भारत में तो शायद ही कोई ऐसी जगह होगी जहाँ बेटे और बेटी में भेदभाव नहीं किया जाता। जी तो ऑफ कोर्स मैं भी जयपुर में पली बड़ी हूँ, मम्मी पापा ने तो खैर कभी नहीं किया, बट हाँ बाकी दाद के साइड में ऐसा होता था कि आम का मौसम है तो भाई को आम खिलाए जाते थे मगर हमें नहीं दिए जाते थे। छोटी छोटी चीज़ें जो बचपन में कभी समझ ही नहीं आती थी कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। हाँ जी। और मैं मम्मी से बहुत लड़ती थी कि दादी भैया से ज़्यादा प्यार क्यों करती है और मुझसे कम क्यों करती है। जैसे आप बड़े होते हो, आई थिंक हर लड़की, हर औरत और स्त्री में इतनी पावर है, इतनी शक्ति है कि वो समझ जाती है, भाप लेती है ये डिफरेंस, और सवाल करने अपने आप ही बंद कर देती क्योंकि इन सवालों का जवाब कोई दे नहीं पाता। जी तो मैंने भी, मेरे साथ भी वही हुआ, एंड जैसे जैसे बड़ी हुई तो मुझे समझ ही आ गया कि भाई ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और मैं कम इम्पोर्टेंट हूँ। लेकिन शायद मैं कहूँगी ये भगवान की ब्लेसिंग है कि मम्मी पापा ने कभी वो फ़र्क नहीं किया, और शायद इसलिए मुझे बड़े होते होते कभी ये एहसास नहीं हुआ। हाँ ठीक है, दादी हैं, दादी करती हैं, दादी ऐसी हैं, मगर मेरे मम्मी पापा मुझसे ज़्यादा प्यार करते हैं। तो मम्मी हमेशा ये पॉइंट था मम्मी का कि पहले मेरे लिए आएगा जो भी आएगा घर में, फिर मेरे भाई के लिए आएगा। तो आई थिंक मेरे भाई को शायद ये लगता रहा होगा कि मम्मी पापा मुझसे प्यार नहीं करते। तो बट दैट इज़ मैं कहूँगी कि ये मेरी किस्मत अच्छी थी कि मेरे मम्मी पापा ऐसे थे। तो मुझे बताइए कि आपको जब यहाँ पर आपने कहा परिवार में कि मुझे काम करना है, एक्टिंग करनी है, तो आपका भाई का रिएक्शन क्या था उस समय? मेरे भाई ने एक्चुअली मुझे टीवी पर शायद आज तक नहीं देखा। उसको ऐसा होता था कि दीदी शॉर्ट्स पहन के भी घर से बाहर नहीं जाएगी, दीदी आपको क्या पता कि नुक्कड़ पे लड़के कैसे बात करते हैं, पापा आप तो नहा नहीं जाते ना, मुझे पता है मैं झेलता हूँ, मुझे कपड़े क्या पहनने हैं से लेकर मैं लिपस्टिक नहीं लगाऊंगी, मैं ये नहीं करूंगी वो नहीं करूंगी, मेरे बालों का हेयर कट क्या होगा, सब मेरा भाई। बहुत ही वॉज वेरी पोजेसिव जिसे तो कहते मुझे हैं। आप ये बताओ, ये जो ये भेदभाव की जो भावना है या ये कि मैं अपनी बहन को चेक करता हूँ, हाँ, कि वो क्या पहनेगी क्या नहीं पहनेगी और मुझे ये अच्छा नहीं लगता कि, हाँ, वो ये करे या वो, हाँ, अच्छा नहीं लगता, तो ये जो भावना है ये सौरभ आपके भाई के अंदर कैसे आ गई? आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि उनको वो सुपीरियरिटी दी जाती है लड़कों को कि तुम कह सकते हो अपनी बहन को या अपनी बीवी को कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, जबकि मेरी लड़ाई उससे हमेशा ही होती थी कि आई नो व्हाट आई एम डूइंग, मुझे पता है, तुम मुझे सिखाओ मत, मैं तुमसे बड़ी हूँ, मैंने भी दुनिया देखी है, तो सिखाओ मत, बट उसका हमेशा ही होता था। एंड उसको पूरी शय मिलती थी दादी से दादी उसे पूरी शय, हाँ वो कह रहा है तो करेक्ट कह रहा है, उसको तुम बिगाड़ रहे हो अपनी बेटी को, और फिर मैंने बोल दिया मुझे एक्टिंग करनी है तो मैं तो बहुत ही बिगड़ी हुई गई। तो इसका मतलब ये है स्मिता कि कहीं ना कहीं हम स्त्रियां ही लड़कों को, मर्दों को एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो है वो देती हैं, जैसे कि यहाँ पर आपके केस में दादी आपके भाई को देती थी, लेकिन इसके बावजूद भी आपके माता पिता, खासकर आपके पिता ने आपका साथ दिया, आपको आज़ादी दी कि आप जो करना चाहें वो आप करें लेकिन सीमा में करें। तो इसके लिए स्मिता के फादर के लिए जोरदार तालियां।
अब हमारे दर्शक वो भी आप दोनों से कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, तो हम ये सिलसिला शुरू करते हैं। हाँ जी पूछिए प्लीज। मेरा सवाल रोशनी जी से है। रोशनी जी, जब आप छोटी थी तो आपने बचपन में अपनी शादी रुकवा दी थी, क्योंकि अब तो आप तब आप बहुत छोटी थी, लेकिन अब आपका शादी के बारे में क्या ख्याल है? अभी मैं शादी नहीं करना चाहती, लेकिन मेरी दादी है तो वो चाहती है कि अभी अगर मैं अगर तुम शादी कर लो तो मैं भी देख लूँ। अब तो उम्र हो गई है शादी की, आगे पढ़ना चाहती हूँ, लेकिन अब दादी की भी ख्वाहिश है तो फिर सोचूंगी इसके बारे में। स्मिता, मेरा सवाल आपसे है, आपको कौन सा एक्टर पसंद है और आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है? मुझे तो शाहरुख खान बहुत पसंद है और उसी की मूवी फेवरेट मूवी है DDLJ, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। इसी के साथ स्मिता, मैं आपको थैंक यू कहना चाहूँगी। आप यहाँ पर आई, आपने कीमती समय हमें दिया, रोशनी को दिया, स्त्री शक्ति के मंच को दिया, लेकिन जाते जाते कुछ आप हमारे दोस्तों के लिए कहना चाहेंगी? मैं सबसे यही कहना चाहूँगी कि जिंदगी बहुत कीमती है, उसे व्यर्थ ना करें, हमेशा खुश रहिए, अपने हक के लिए लड़िए भी। और मैं सभी माओं को यही कहना चाहूँगी कि अपनी बेटियों की प्लीज़ 18 साल से पहले शादी ना करिए, उन्हें पढ़ने दीजिए, फलने फूलने दीजिए, तब देखिए क्या मज़ा आएगा ज़िंदगी का। थैंक यू सो मच स्मिता, वाकई में ये बहुत ही कमाल का मैसेज था। रोशनी, आप यहाँ पर आई, इतनी अच्छी आपने कहानी और आपकी जो शक्ति है, जो युवा शक्ति है, वो सब पर फैलेगी, ये मैं जानती हूँ। दोस्तों, लड़कियाँ हमारा भविष्य है। एक लड़का एक परिवार की सोच बदल सकता है, लेकिन एक लड़की एक पूरी पीढ़ी की सोच बदल सकती है, उसे दिशा दे सकती है, कभी बेटी बनकर तो कभी माँ बनकर। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी फूल जैसी बेटियों को बाल विवाह की सूली पर ना चढ़ाएं, उन्हें उनका बचपन जीने दें और सही वक्त आने पर ही उनका विवाह करें। इससे न सिर्फ हमारी बेटियों का भविष्य सुधरेगा, बल्कि हमारे पूरे देश को एक नई दिशा, एक नई राह मिलेगी। इसी सुंदर विचार के साथ मैं श्रुति उल्फत आप सब से विदा लेती हूँ। अपना ख्याल रखिए, नमस्कार। जैसे मैं हूँ, यहाँ पर पैदा हुई हूँ, तो हमें लगता है कि हम इंडिया का एक हिस्सा है, तो उस हिस्सा होने की वजह से हमें लगता है कि अब तक हमें हिस्सा माना जाता है, पर हमें ज़्यादा वर्ड जो है वो गेस्ट बुलाते हैं, हमें लगता है हम सिर्फ गेस्ट नहीं है, वी पार्ट ऑफ द फैमिली।